दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? उत्तर, इसमें उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, दो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायत, आंसर सी। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है? उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इसका उत्तर होगा डी। दोस्त अगला क्वेश्चन, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है? इसका उत्तर होगा खडनाल बी। अगला क्वेश्चन, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा राम स्नेही पंथ द्वारा, उत्तर सी, राम स्नेही पंथ द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई? इसका उत्तर होगा अप्रैल 2006 में, यानी कि सी। प्रश्न अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 164। नवा क्वेश्चन, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? इसका उत्तर होगा बी, 34 व 25। अगला क्वेश्चन, मुंडियारी विख्यात का विषय है? इसका उत्तर होगा डी, मारवाड़ के राठौड़। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत् संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? उत्तर होगा सी, तृतीय चरण, उत्तर होगा इसका सी, तृतीय चरण। अगला क्वेश्चन, सन 2021 में घोषित पद्म श्री सम्मान में राजस्थान में किस सम्मानित किया गया किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा ए, अर्जुन सिंह शेखावत, लाला खान, श्याम सुंदर पालीवाल, इन सभी को, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा बी, जी के व्यास। अगला क्वेश्चन, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा सी, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। प्रश्न 15, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था? उत्तर डी, 12। प्रश्न 16, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? उत्तर होगा ए, इन एरिनपुर छावनी, ए आंसर होगा इसका। 17, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका उत्तर होगा बी, अलगोजा। प्रश्न
प्रश्न 18वां, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। प्रश्न 19, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सी, लोक नृत्य। प्रश्न 20, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? उत्तर सी, राज्यपाल को, राज्यपाल को देगा। प्रश्न अगला, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी, महाराणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना हो तो ऑटो छोड़ते हैं, ना ही सी ऑटो छोड़ते हैं, यह समय होता है? उत्तर ए, संध्या प्रकाश, संध्या का समय होता है, ना तो पौधे ऑटो छोड़ते हैं और ना ही सी ऑटो। प्रश्न 22, वो सॉरी 23, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा ए, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका उत्तर होगा सी, 13 से 18 ग्राम 100 मिली तक होता है। प्रश्न अगला, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है? 25वें का आंसर होगा सी, गाय से। प्रश्न 26, निम्न को मिलाइए, एपिकल्चर, सिल्विकल्चर, विटिकल्चर। उत्तर होगा ए, 2-1, 2-1-3। प्रश्न 27, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है? इसका आंसर होगा सी, बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा। फल पक्वन के द्वारा उद्दीपित की जा सकती है? इसका आंसर होगा ए, एथिलीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजवंश का सही कालानुक्रम है? इसका उत्तर होगा सी, नंद मौर्य कुषाण गुप्त। प्रश्न 30, निम्न को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा, 30वें का आंसर होगा बी, 30वें का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 31वां, एक्सपर्ता को सांस्थानिक दर्जा किसे किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा, 31वें का आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न अगला, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें जो भी हैं ये दोस्तों 31वें के अंदर आएगा सी, वो सॉरी 32वें के अंदर आएगा डी, 32वें के अंदर डी। क्वेश्चन 33, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो 33वें का आंसर होगा ए, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। प्रश्न 34 आता है, निम्नलिखित घटनाक्रमों का सही क्रम क्या है? उत्तर होगा बी, इसका आंसर होगा बी।
35वां क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तो कब हुआ था? इसका आंसर होगा 35वें का डी, 16 दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इनके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? उत्तर होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन 37वां, कौन से संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? इसका आंसर होगा सी, 31वें संशोधन। प्रश्न 38वां, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? उत्तर होगा ए, 38वां का उत्तर होगा ए। प्रश्न 39, भारत में किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? उत्तर होगा बी, कार्मिक मंत्रालय। प्रश्न 40वां, नीचे दिए गए दो व्यक्तियों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है, दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? जो भी है ये क्वेश्चन 40वां, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, ए एवं आर दोनों असत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डी, अरविंद पनगारिया। प्रश्न अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को इग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो उत्तर होगा बी, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020। प्रश्न अगला, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों में सीमा साझा करता है? उत्तर 43वें का आंसर होगा डी, 43वें का आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 44वां, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? उत्तर होगा सी, पालघाट। प्रश्न अगला, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 45वें का उत्तर होगा बी, बी होगा दोस्तों, यानी बी। 46वां, भाखड़ा नांगल हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है? इसका आंसर होगा सी, सतलज महानदी कोसी। ये नदियां भाखड़ा नांगल हरिकुंड और कोसी परियोजनाओं के क्रमशः नदियों पर स्थित है। चलो दोस्तों अगले कंप्यूटर के क्वेश्चन, 128वें का प्रश्न, एक हार्ड डिस्क को टैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, सेक्टरों में। अगला क्वेश्चन, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? इसका आंसर होगा डी, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? इसका उत्तर होगा बी, प्रचालन तंत्र। प्रश्न अगला, कंप्यूटर मॉनिटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, VDU के नाम से भी जाना जाता है।
आप फाइलों को किस फोल्डर में किस में भंडारण एवं व्यवस्थित करते हो? इसका आंसर होगा बी, फोल्डरों में। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना की सुविधा देता है? इसका आंसर होगा सी, इस प्रेडिक्ट प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन, पुराने एमएस डीओएस फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? इसका आंसर होगा डी, 8। एलएएन का पूरा नाम क्या है? 136 ऑप्शन है, एलएएन का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। 137वां क्वेश्चन, प्रचालन तंत्र में ब्यूटिंग का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर होगा बी, कंप्यूटर पुनः चालू करना। एमएस पावर पॉइंट में किसका दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं होता है? इसका आंसर होगा बी, एक्सट्रीम एमिनेशन का। अगला 139वां, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है? 139वां प्रश्न का आंसर होगा बी, 139वां प्रश्न आंसर का होगा बी आंसर। 140वां क्वेश्चन, रैम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर होगा सी, रैम हार्ड डिस्क और भंडारण। इसका आंसर होगा सी।